तो गाइस, आज मैं आपके साथ कबाड़ का यूज़ करके कुछ DIY शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें आप कोई भी फेस्टिवल या फिर दिवाली पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कबाड़ में से मैंने कुछ चीज़ें निकाली है, जैसे कि छोटे बड़े लीड है और ये एक कलर का बॉक्स है। तो इन सभी को हम ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। ग्लू गन की जगह आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक स्टैंड जैसा हम बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से बनके रेडी है। अब इसे पेंट कर लेते हैं। इसके लिए पहले वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर लेंगे, ताकि ऊपर हम जो भी कलर करें वो अच्छे से निकल के आए। ऊपर वाले लीड पे नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वाइट ही है। तो अब ये ड्राई होने के बाद गोल्डन कलर से पेंट कर लेंगे। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरा वर्क कर लेते हैं। तो अब कुछ पिस्ता सेल्स लिए हैं। पिस्ता सेल्स को हम रेड कलर से पेंट कर लेंगे। इसे बाद में भी आप पेंट कर सकते हैं, पर मुझे लगा बाद में अच्छे से पेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले इसे पेंट कर रही हूँ। तो सभी सेल्स को पेंट करके ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद हमने जो स्टैंड बनाया है उस पे एक लीड रख के राउंड ड्रॉ कर लेंगे, ताकि यहाँ पे हम कैंडल या दिया रख सके। इतना राउंड छोड़ के पिस्ता सेल्स को हम राउंड में स्टिक करते जाएंगे। इस तरह से सारे पिस्ता सेल्स को स्टिक कर देंगे, ताकि एक फ्लावर जैसा लुक हमें मिले। अब सेंटर पार्ट को भी पेंट कर लेंगे। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा और अच्छा लुक दूंगी। इसके लिए मैंने गोल्डन डस्ट पाउडर लिया है। जस्ट फिंगर की हेल्प से लगा के इसे हाईलाइट कर लेंगे, ताकि अंधेरे में भी ये बहुत अच्छा शाइन करेगा। इसके बदले आप कोई शाइनी नेल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब रेडी है हमारा कैंडल स्टैंड। आप इसे रंगोली के सेंटर में भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसे सेंटर टेबल पे इस तरह से टेबल मैट के ऊपर रख के भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैट भी हमने DIY ही किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पुराने ग्लास लिए हैं, जो कि अब इसका यूज़ नहीं होने वाला है। तो इसे एज अ कैंडल स्टैंड या फिर दिया स्टैंड के लिए रेडी करेंगे। तो फर्स्ट ग्लास को डेकोरेट करने के लिए मैंने ट्रांसपेरेंट टेप लिया है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ग्लास में लगा देंगे। ये मैंने देखा था पर ट्राई नहीं किया था। तो देखते हैं सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे टेप को लगा दिया है। अब इसे पेंट कर लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा लाइट कलर रेडी किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप ग्लास में पेंट करेंगे तो ब्रश के स्ट्रोक्स आएंगे, तो आपको इसके लिए दो बार कोट करना पड़ेगा। पर अगर आप स्पंज से पेंट करेंगे तो एक ही बार में पेंट करने से बहुत अच्छा टेक्सचर जैसा पेंट कर सकते हैं। तो जब भी आप ग्लास में पेंट करें तो बेटर है कि आप स्पंज का यूज़ करके ही पेंट करें। आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। तो चलिए अब ड्राई होने के बाद टैप को रिमूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, ये तो मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि पेंट भी साथ में निकल रहा है। तो आप भी टेप का यूज़ ना करें।
डायरेक्ट ही इसे पेंट कर दे, क्योंकि बाद में मुझे भी फिनिशिंग देना पड़ा था। चलिए तब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ओके, तो अब ये रेडी है यूज़ करने के लिए। सेकंड ग्लास में हम पेंट ही करेंगे, तो इसके लिए ग्लास को स्पंज की हेल्प से पेंट कर लेंगे। ड्राई होने के बाद मैंने प्लास्टिक के मिरर्स लिए हैं जो स्टिकर के फॉर्म में है, जो कि बहुत इजीली हमें मार्केट में मिल जाता है। इसे ग्लास में हम लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से ग्लास रेडी हो चुका है। तो चलिए थर्ड ग्लास रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ लेस पड़ी थी, तो इसको ग्लास में ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। अब जो कैंडल स्टैंड रेडी किया था उसके पिस्ता सेल्स बच गए थे, तो इसको भी ग्लास में स्टिक कर लेंगे। कुछ भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो अब ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। तो अब फोर्थ एंड फिफ्थ ग्लास हम सेम ही रखेंगे। तो इसमें ग्लू गन थोड़ा स्पीड में चला के कुछ इस तरह की डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरह से हम दो ग्लास रेडी कर लेंगे। अब इसे भी गोल्डन डस्ट पाउडर से हाईलाइट कर लेंगे। इसके बदले आप गोल्डन पर्ल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर शाइनी नेल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, पेंट वाले जो ग्लास है उसे आप परमानेंट या वाटरप्रूफ करना चाहते हैं तो उस पर वार्निश का एक कोट ज़रूर से कर दे। मैं तो इन सब ग्लास को उल्टा रख के उसके ऊपर कैंडल या दिया रखूँगी तो ज़्यादा ख़राब नहीं होने वाले हैं। और इसी ग्लास को मैं फिर से नया लुक देती रहूँगी, इसलिए मैंने वार्निश नहीं किया है। आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। एंड आप भी इस तरह के DIY ज़रूर से ट्राई करें। मिलते हैं न्यू एंड क्रिएटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।